हेलो गाइस एंड वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल पेट्स इन्फोमेनिया। सो गाइस आज मैं बात करने वाला हूँ वन ऑफ द लार्ज साइज डॉग ब्रीड्स एंड दैट इज टिबेटन मास्टिफ। टिबेटन मास्टिफ जो कि इंडिया में कॉमन है, इजीली अवेलेबल है, लेकिन पाकिस्तान में ये डॉग ब्रीड बहुत रेयर है और बहुत गिने चुने ब्रीडर्स के पास ये डॉग ब्रीड पाई जाती है। तो इस डॉग ब्रीड को खरीदने से पहले किन फैक्ट्स एंड फिगर्स का आपको पता होना चाहिए, सारी डिटेल इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर इस डॉग ब्रीड के ओरिजिन की बात करें तो टिबेटन मास्टिफ को टिब्बत के माउंटेन्स पर ब्रीड करवाया गया, इसी वजह से इस डॉग ब्रीड का नाम टिबेटन मास्टिफ रखा गया। ये डॉग ब्रीड बेसिकली हर्डिंग और गार्डिंग के लिए ब्रीड करवाई गई थी बाय द पीपल लिविंग इन टिब्बत, और इस डॉग ब्रीड को मोस्टली गार्डिंग के लिए ही यूज़ किया जाता था। टिबेटन मास्टिफ एक लार्ज साइज की डॉग ब्रीड है जिसकी एवरेज हाइट 21 to 26 inches टॉल और इसका जो वेट है दैट कैन बी अराउंड 60 to 70 kg। बींग अ लार्ज साइज डॉग ब्रीड, टिबेटन मास्टिफ को आप अपार्टमेंट्स में नहीं रख सकते, किसी छोटी स्पेस में आप इस डॉग ब्रीड को एडजस्ट नहीं कर सकते। ये डॉग ब्रीड पहाड़ों पर रहने वाली डॉग ब्रीड है जिसको वहाँ की आदत है, इस वजह से छोटी जगह पर यह आपके साथ एडजस्ट नहीं हो पाएगी। अगर आप इस डॉग ब्रीड को छोटी जगह पर एडजस्ट करने की कोशिश करोगे सो यू विल फेस प्रॉब्लम विद योर डॉग। टिबेटन मास्टिफ अपनी फैमिलीज के साथ बहुत फ्रेंडली होते हैं, और सिर्फ अपनी फैमिली के साथ ही नहीं बल्कि अगर आपने घर में दूसरे पेट्स रखे हैं तो टिबेटन मास्टिफ उनके साथ भी इजीली एडजस्ट हो जाते हैं, भले वो कोई दूसरा डॉग हो या कैट्स हो। टिबेटन मास्टिफ इजीली एडजस्ट हो जाते हैं किसी भी टाइप के माहौल में। ये डॉग ब्रीड हाईली इंटेलिजेंट होती है बट इनको ट्रेन करना ईजी नहीं होता, दे आर नॉट ईजी टू ट्रेन। टिबेटन मास्टिफ को ट्रेन करना मुश्किल होता है, थोड़े से स्टबर्न होते हैं इसलिए कमांड्स को जल्दी फॉलो नहीं करते। अगर इस डॉग ब्रीड के एनर्जी लेवल्स की बात करें तो टिबेटन मास्टिफ का एनर्जी लेवल बहुत कम होता है और इनको मीडियम एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है। काफ़ी लोग जो पेट्स रखना पसंद करते हैं उनकी ये प्रॉब्लम होती है कि वो अपने पेट्स को अकेला छोड़ना पड़ता है उनको, और उनको ऐसा लगता है कि हमारा पेट उदास हो जाएगा। लेकिन टिबेटन मास्टिफ में एक ये क्वालिटी पाई जाती है कि दे कैन ईजीली टॉलरेट बींग अलोन। आप इस डॉग ब्रीड को अकेला छोड़ सकते हो, इसको अकेले रहने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। हालांकि टिबेटन मास्टिफ एक लॉन्ग कोट की डॉग ब्रीड है जिसका कोट काफ़ी लॉन्ग होता है, लेकिन ये उतना ही कम शेड करते हैं जितने ज़्यादा इनके बाल होते हैं। ये एक बहुत अच्छी बात है उन लोगों के लिए जिनको डॉग्स के बाल नहीं पसंद और वो नहीं चाहते कि उनके डॉग ज़्यादा शेड करें, तो टिबेटन मास्टिफ बहुत कम शेड करता है और ये मोस्टली सीजनली ही शेड करते हैं। ये डॉग ब्रीड कोल्ड वेदर को ईजिली टॉलरेट कर सकता है, भले जितनी भी सर्दी हो टिबेटन मास्टिफ ईजिली बेयर कर सकता है। उसका रीज़न ये है कि ये ऑलरेडी माउंटेन्स पर रहने वाली डॉग ब्रीड है जहाँ पे ज़्यादा बर्फ पड़ती है, इसी वजह से ये डॉग ब्रीड कोल्ड वेदर को ईजिली टॉलरेट कर सकता है। अगर आप इस डॉग ब्रीड का ख्याल नहीं रखोगे स्पेशली इन इस डाइट, तो ये ईजिली वेट गेन कर सकते हैं और बहुत जल्दी ओवरवेट हो सकते हैं। सो अगर आपने एक टिबेटन मास्टिफ रखा हुआ है तो उसकी डाइट का ज़रूर ख्याल रखें। टिबेटन मास्टिफ की बार्किंग लेवल की बात करें तो ये डॉग ब्रीड अक्सर बार्क करती है, छोटी मोटी चीज़ों पर भी ये बार्क करना शुरू कर देती है। इस डॉग ब्रीड के ड्रूल अमाउंट की बात करें, बीइंग अ लार्ज साइज डॉग ब्रीड और मास्टिफ फैमिली से बिलोंग की जाने वाली डॉग ब्रीड्स अक्सर ज़्यादा ड्रूल करती हैं, लेकिन टिबेटन मास्टिफ एक ऐसी डॉग ब्रीड है जिसका ड्रूल अमाउंट बहुत कम होता है एज़ कम्पेयर टू अदर डॉग ब्रीड्स। टिबेटन मास्टिफ के कलर्स की बात की जाए तो ये डॉग ब्रीड डिफरेंट कलर्स में पाई जाती है, लाइक ब्राउन, चॉकलेट, लिवर, गोल्ड, येलो, ब्लैक, ब्लू एंड ग्रे। अगर इस डॉग ब्रीड के कलर पैटर्न की बात करें तो ये काफ़ी पैटर्न्स में पाई जाती है, लाइक बाई कलर, ब्लैक एंड टैन, लिवर एंड टैन एंड ब्लू एंड टैन। अब बात करते हैं इस डॉग ब्रीड के कॉस्ट की, कि टिबेटन मास्टिफ अगर हम खरीदने जाएं तो ये डॉग ब्रीड हमें कितने में पड़ सकती है। इंडिया के अंदर ये डॉग ब्रीड अवेलेबल है और अगर आप इस डॉग ब्रीड को परचेस करना चाहते हैं तो इंडिया के अंदर आपको ये ईजिली मिल सकती है 60,000 से लेके 2.5 lakh तक, डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी। जितनी अच्छी क्वालिटी होगी उतने ज़्यादा पैसे होंगे। पाकिस्तान में ये डॉग ब्रीड मैंने अभी तक नहीं देखी, तो अगर कोई बंदा ऐसा है जिसके पास अवेलेबल है तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा कि आपके पास टिबेटन मास्टिफ है और आपने कितने का लिया है। अगर पाकिस्तान में मास्टिफ डॉग्स की बात करें तो उनकी कॉस्ट 1 lakh से लेके 3 lakh तक, डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी। सो गाइज यही थी आज की वीडियो, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे, और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा इफ देयर इज एनीथिंग मिसिंग। Love you all.